हाय नमस्कार आप सभी को। ये दीपक पंड्या जी है जो उदयपुर राजस्थान से आए हैं और ये इस तरीके का पैर पहन के आए हैं हमारे पास। ये पैर इन्होंने कहीं से बनवाया हुआ था। इसके साथ ये कैसे पहनते हैं एक वीडियो बनाता हूँ मैं। ऐसे सैंडल पहनते हैं ये पहले, और सैंडल के साथ में ऐसे इस तरीके से ये पैर पहनेंगे। ये कितने दिन से पहन रहे हैं आप सर? ये सर 2018 से। हाँ 2018 से ये पैर लगाया। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है आपको? मूवमेंट नहीं है इसमें कोई भी। अच्छा अदर सरफेस पे चल नहीं पाता, ओनली प्लेन सरफेस। हाँ और थकान बहुत ज्यादा होती है। थकान बहुत ज्यादा होती है। और ये जो जैसे ये आप देखेंगे प्रेशर मार्क जो बने हुए हैं स्किन के ऊपर, आपका सॉक्स पे भी छपे हुए हैं, और इस तरीके से काफी सारी सॉक्स इनको पहननी पड़ती है। इसमें एक पहनी, फिर ये दूसरी सॉक्स पहनी है। ये दूसरी सॉक्स हैं, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे होता है पैर, जिसकी वजह से कट लग जाते हैं स्किन में और लंबा नहीं चल पाते। स्किन डैमेज होने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। स्किन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये तीसरी सॉक्स है, थर्ड नंबर की सॉक्स। इसको ये दो लेयर में पहनते हैं। ऐसे ये दो लेयर लगाई इन्होंने। ये पांचवी सॉक्स हो गई है जो सिंगल लेयर है। इसमें काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं भी सेल नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी कोई भी रिंकल नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये स्किन को कट कर देगा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनको। ये पांच लेयर ऑफ सॉक्स हो गई है, और ये छठी लेयर ऑफ सॉक्स है। इसको भी डबल पहनूंगा। इसको भी डबल पहनेंगे। ये सात लेयर हो गई है सॉक्स की। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी कम से कम 2.5 से 3 मिनट हो गई है पैर पहनने में, और ये आठ लेयर। ये आप देखेंगे नीचे से क्यों फटी है, क्योंकि इस पर प्रेशर आता है नीचे, जिसकी वजह से ये फटती है। और दूसरा इसमें एक बेल्ट लगाना पड़ता है जिसको मूली स्ट्रैप या वो बोलते हैं, और ये एक कप भी पहनते हैं। ये कप पहनने के बाद में जिसको लाइनर बोलते हैं, बेसिकली इथाफ्लेक्स या पैडलिन का लाइनर होगा ये। इस तरीके से इन्होंने पहना, फिर ये बेल्ट लगाई। अब ये बेल्ट लगा के अब ये चल के दिखाएंगे। नहीं आप ये भले ही पहन लीजिए, ये चप्पल पहनिए। अब ये इन्होंने दूसरी सॉक्स लगा, ये सैंडल पहना। चलिए चलिए सर बाहर चलते हैं, ठीक है? जैसे भी आपको चला जाता है वैसे ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए स्टेबिलिटी बिल्कुल जीरो है पैर के अंदर। कैसे बाहर को एब्डक्टेड है पैर, और नी की मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म है आप देखेंगे, और स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती है। क्या तकलीफ लगता है आपको जैसे चलने में? चलने में इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आता है, प्लस प्लेन सरफेस पे ही चल पाता हूँ मैं। अदर सरफेस जैसे पथरीला हो गया या थोड़ी सी ढलान भी हो गई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ जाता है, इस वजह से बहुत सारी तकलीफें इस पैर के ऊपर से। शॉक्स भी बहुत ज्यादा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा लेता ही है। अगर मुझे कहीं अर्जेंट में जाना हो तो मैं जा ही नहीं पाता। चलिए आइए सर एक बार निकाल के दिखाइए, आइए बैठिए निकाल के दिखाइए आपको। अब ये निकाल के दिखा रहे हैं अपने पैर को कैसे निकालेंगे। देखिए निकालने का भी तरीका है, ऐसे रैंडमली आप सारी सॉक्स एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक एक सॉक्स निकालेंगे और बिल्कुल ठीक से रखेंगे, नहीं तो उसमें रिंकल आ गया तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होगी पहन के चलने में। फिर दोबारा से ये ऐसे खींच के प्रॉपर रखते हैं, पूरा इसको लेंथनिंग करते हैं। हाँ तो दूसरे दिन पहनना आसान रहेगा कम से कम, नहीं तो अगर ऐसे मैशअप करके डाला तो वो पहनना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का जो सवाल रहता है कि जयपुर में उदयपुर में किस तरीके के पैर लगते हैं, वहाँ पे पैर सस्ते लगते हैं, तो वो ये लोग देख सकते हैं कि किस तरीके के पैर हैं। क्या आप भी इस तरीके का पैर चाहते हैं जो आपकी लाइफ की रेस को
कम कर दे, जो आपकी सफलता में इंट्रेंस बने, जो आपकी जो डे टू डे की लाइफ है उसमें तकलीफ भर दे, या एक ऐसा पैर जो आजीवन आपको आराम और कंफर्ट दे। देखिए दो सेकंड के लिए इन्होंने पैर पहना है और इनको इतनी तकलीफ हुई है इसके साथ, ये इस पैर की वजह से ये दिक्कत आने लग गई, ये यहाँ पे ये दिक्कत आने लग गई, ठीक है, ये इधर ये छिल छिल के बिल्कुल स्किन बेकार हो गई, ये सिर्फ ये पैर जो पहनते हैं इसी की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो आप जान सकते हैं कि उदयपुर का पैर कैसा है, ये उदयपुर का पैर है, इसमें ये तकलीफ है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे जो हम इनके लिए पैर बना रहे हैं, जिसमें जो पैर हमने बनाया है वो पहनते हुए दिखा देंगे। ये सिलिकॉन लाइनर है एस्पायर जो इन्होंने पहना, सो इट हार्डली टेक 7 से 8 सेकंड और बस इन्होंने ये पैर डाल दिया, तो मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर आप पैर पहन सकते हैं अपना। कहाँ आपको 5 मिनट 6 मिनट लगी थी और ये 10 सेकंड में पहना, और ये चल के दिखाएंगे आपको। तो आप अभी देखेंगे, जस्ट लगाया है अभी, तो नी की जो मूवमेंट है वो पहले से बेटर है, और जो इसमें फुट लगा हुआ है उसकी वजह से ही अनइवन सरफेस पर चलने में या किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं। भाई आप सीढ़ियों पर चल के दिखाइए, और लाइनर की वजह से इनको कोई प्रेशर नहीं आएगा, कोई रिंकल नहीं आएगा, जिसकी वजह से कटेंगे नहीं और अनइवन जगह पर भी वो आराम से चल पाएंगे। सिस्टम छोटा है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो काफी बेटर होगा। चलिए सर, आइए। अब जो ये पैर हमने आपको लगाया है, इसमें क्या सुविधा लगती है आपको, मतलब कंपैरेटिवली क्या सुविधा है इसमें? ये है कि पंजाबी मूवमेंट अच्छी दे रहा है मुझे, तो अदर सरफेस पे भी जैसे इजीली चल पाऊंगा, जैसे ही पंजा रख रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक मुझे आगे लेके जा रहा है, आगे लेके एनर्जी कम लगती है, मुझे प्रेशर नहीं लग रहा है, प्रेशर नहीं लग रहा है, प्लस थकान भी उतनी नहीं लग रही है, थकान भी नहीं लग रही है, और जो फिटिंग है वो एकदम एक सिलिकॉन शॉक्स में, जो मैं कंपेयर जो शॉक्स पहन रहा था उनकी तुलना में तो ये सिलिकॉन शॉक्स काफी बेटर है, काफी क्या कई गुना बेटर है, जिसमें मुझे पेन वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहा है, और फिटिंग भी कंफर्टेबल है इसमें। मुझे लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा तो मैं रनिंग भी कर पाऊंगा इसमें, अगर मैं जिम वगैरह ज्वाइन कर लूं। सो आप सेटिस्फाइड है आइडियल आर्टिफिशियल लिप्स सॉल्यूशन से? 100% सेटिस्फाइड हूं मैं। थैंक यू सो मच सर। आप जितने भी और पेशेंट है उनके लिए कोई संदेश? मैं तो चाहता हूँ कि किसी संस्थान के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपका बजट है तो आप आइडियल आर्टिफिशियल लिम्ब सॉल्यूशन पे आइए, आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके दौरान। वाओ, लव यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको नहीं मिलता है तो ये आपको प्रॉपरली सर्विस भी देंगे, मतलब कि जैसे एक बार अगर आपने संस्था में लगवाया तो आपके प्रेशर का आ रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 10 बार आप प्रेशर कम करवाइए कोई गुस्सा भी नहीं करेगा, और इजीली इजी वे में आपके वो प्रेशर भी कम करेंगे जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको हर तरीके की सर्विस दी जाएगी। उससे पहले तो आपको पैर भी नहीं देंगे जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते उससे पहले। यस, दैट्स ट्रू। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे हम आपको आपका मुझे डिवाइस नहीं देंगे। 3 दिन हो गए पर डे जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम का ये प्रॉपर वे में सॉल्यूशन कर रहे हैं, और जब तक कि मेरे इन्होंने मुझे श्योरिटी के साथ में बोला है कि जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे, भले आप 3 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, या 10 दिन रुकिए, या 15 दिन रुकिए, लेकिन उससे पहले हम आपको पैर नहीं देने वाले हैं। Very good, sir. Thank you so much. Thank you. Good as possible. Walk fast. Turn around. Walk fast. Yes. Very good. Yes, do it. जितना छोटा स्टंप है उसके कंपेरेटिवली आप बहुत अच्छा चल रहे हैं। चलिए आइए, ढीला होकर तेज चलो, फास्ट चलो आप। हाँ, अभी जो आप पैर पहनते थे जहां से भी आपने लगाया वो भी देखेंगे, अभी उसके सामने भी चल के दिखाएंगे। चलो निकालो, दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट स्टम्प, बहुत छोटा स्टम्प है, उसके बावजूद भी इज डूइंग वंडरफुल। निकाल के दिखाओ एक बार, आप आओ निकालो सर। और ये पैर है जो ये पहन के आते थे, ऐसे 20-25 सॉक्स डालते हैं, दिखाइए निकालिए। निकालो पूरा, देखो सर कितना छोटा स्टंप है, निकाल दो, बिल्कुल छोटा है। ये देखिए कैसे ये बोन निकली हुई है, हेड ऑफ फिबुला, नीचे से आप इंडेंट देखेंगे पैर का सब तरीके से, ये देखिए
पूरा स्कार है उसके बावजूद इज डूइंग वंडरफुल विद दिस लेग व्हाट वी हैव गिवन। अब जो ये पैर पहन के आए थे उसके साथ भी एक वीडियो बनाएंगे।